छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। इतना कचरा अल्लाह माफ करे, क्या ये कचरा उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं? ये कचरा किसी को नजर नहीं आता? हुक्मरान बेहिस हमारे सामने खड़े हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे, इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि ये कचरा पूरी कौम की इज्जत को कचरा कर रहा है। तुम इस इलाके के जिम्मेदार हो, क्या सोते रहते हो? अवाम से वोट लेते हुए तुम्हें नींद नहीं आती? काम करते हुए मौत पड़ती है जी, असल में बात ये। खामोश क्यों खड़े हो बेहिस इंसान, बोलो बोलो। जी 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 नाजरीन, आपने देखा ये शख्स किस तरह खामोश तमाशाई बना हुआ है और इतना ढीठ है कि कुछ बोलता भी नहीं आगे से। मैंने सोच लिया, मैं ये एंकर ही बनूंगी। बेटा पहले फर्मा बरदार बीवी और बेटी तो बन जाओ। मतलब मैंने कुछ नहीं, आपने कुछ सुना? झूठ मत बोल बे, मैंने खुद सुना है। अच्छा तो फिर बता दो, बता दो, बता दो। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये आपका पागलपन कैसे दूर होगा, जब देखो खुद से बातें करते रहते हैं आप। क्या मामा, आप लोग फिर से झगड़ने लग गए? झगड़े बेटा? अरे झगड़े तो बराबर वालों से होते हैं। कहाँ तुम्हारी मामा और कहाँ मैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप ठहरी भारतीय जा रहे हैं ना फौजी, और मैं बेचारा मजलूम कश्मीरी। पापा मामा मेरी बातें गौर कीजिए, मुझे टॉक शो की एंकर ही बनना है, बस मैंने सोच लिया। अरे कैसी बातें कर रही हो हनी, ऐसा मुमकिन नहीं है भाई। मगर क्यों? इसलिए कि तुम में अभी कुछ तहजीब और तमीज बाकी है। भाई कैसी बातें कर रही है बेगम, भाई लड्डू से पूछें या मुझसे पूछें? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मुझे लगता है कि ये बन जाएंगी। चलो भाई पैकअप, ये लो टेप संभाल के रख लेना। ये क्या, पूरे 1000 रुपए कम है? पूरे भी बोल रहे हैं और कम भी? मुझे नहीं पता, मुझे पूरे पैसे चाहिए। बोला ही कितना है तूने, खामोश ही तो खड़ा था सियासतदान बनके। फिर भी जो बात हुई थी, मुझे पूरे पैसे चाहिए, वरना 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 क्या? वरना मैं एहतजाज करूंगा। दिमाग खराब हो गया तेरा, घास खा लिया तूने ताजी ताजी, अपने आप को असली का सियासतदान समझ रहा है? चल निकल निकल यहाँ से, वरना मैं अभी शोर शुरू कर दूंगी कि ये आदमी मुझे हरासा कर रहा है। चल निकल। क्या ये असली का सियासतदान नहीं था? तुम कौन? जी मैं लड्डू। और मैं मरती। अबे असली नाम क्या है तेरा? वो तो याद नहीं है, इतने अरसे से सब लड्डू लड्डू बोलते हैं तो लड्डू ही। हाँ याद आया, लाडले मियाँ, लेकिन प्यार से ना मुझे सब लड्डू मियाँ कहते हैं। अच्छा अच्छा चलो हटो यहाँ से, काम हो रहा है, काम का टाइम है। लेकिन वो आदमी तो एक्टिंग कर रहा था, सब ड्रामा हो रहा था यहाँ पे। यही मीडिया है लाडले मियाँ। चलो पैकअप करके आ जाना। ये लो मैडम का कार्ड, किसी की भी रेड लगवानी हो तो कॉल कर देना, हम हाजिर हो जाएंगे धमाका न्यूज से। ठीक है धमाका न्यूज आज सुने, किसी की भी रेड लगा देते हैं। बेगम ये लें आपकी गर्मा गर्म चाय। मैं सोच रहा था हाजर का गलवा बना लूं आपके लिए। हाँ? हाजर का गलवा नहीं, गाजर का हलवा बना लूं आपके लिए। अब नहीं लड्डू, तुम एक काम करो, इसमें वैसे भी ना बहुत सारे गाजर यूज हो जाएंगे, तुम ना मेरे लिए ना गाजर का जूस बना लो। वो तो जूस में तो उससे भी ज्यादा गाजर लग जाएंगी। तो वैसे भी तुम कौन सा खुद जा रहे हो, खुद खरीद रहे हो? हाँ मैं जो कह रही हूँ वो करो, जाओ जाके बना के लाके दो। हनी मैं तो हमेशा वही करता हूँ जो आप कहती है, मैं तो खाने का पूछ रहा हूँ क्या बनाऊं। जहर ला दो। वो खाने की क्या जरूरत है, चखने से ही मर जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ आज खाना क्या बनाना है। लड्डू तुम मुझसे ना ज्यादा बहस मत करो, वरना ये चाय फेंक दूंगी तुम पे। जाओ जो दिल करे बना लो, जाओ। अच्छा अगर मैं अपनी जान की अमान पाऊँ तो आपसे पूछ सकता हूँ कि मैडम को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ मेरा मूड ना बहुत खराब है। लड्डू पता है क्या, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, वो ना मुझे ना वो एंकर बनना है, वो होती है ना वो टॉक शो की एंकर्स, मुझे वो बनना है, मगर मैंने मामा को कहा, मामा ने कहा तुम नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? आप बन सकती हैं, वही बाल है, वही हड्डी, वही खाल है, वही खूबसूरती, वही गुस्सा, वही बदतमीजी। हाँ लड्डू चाय फेंक दूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये पूछा था आज खाने में क्या बनाने, जल्दी से बता दे ताकि मैं जाऊं। जाओ कुछ भी बना के लेके जाओ। चलो ठीक है मान लेते हैं हम तुम्हारी बात, लेकिन हनी तुम्हें उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस? मगर वो तो क्रिकेट में होती है ना। अरे भाई तुम मेरी
ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। जब तक आप किसी प्रोफेशनल के साथ ये काम नहीं सीखेंगे ये मुमकिन नहीं होगा। हाँ, या फिर आपकी किसी न्यूज चैनल पर नौकरी होनी चाहिए। क्या लड्डू, ये सब तो बहुत दूर की बात है ना, मुझे अभी एंकर बनना है, मतलब आज से बनना है, मतलब बस बस बन जाना है बस। हनी, मैं एक न्यूज एंकर को जानता हूँ। अब ऐसे तो मैं भी बर्तानिया की मलका को जानता हूँ, ये और बात है कि वो मुझे नहीं जानती। अरे ससुर जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई एक बहुत बड़ी न्यूज एंकर को जानता हूँ, तबाही फैला देती है, तबाही। तो बस लड्डू, बस खत्म करो, तुम ले आओ और बस तुम जाओ, उठो। अरे लेकिन क्या वो फीस अभी लीला यहाँ आ जाएगी? अरे नहीं मम्मी जी, फीस भी लीला क्यों आएगी, पैसे तो लगेंगे थोड़े। बुलाओ बुलाओ उसको। अरे मेरी बेटी के शौक से पढ़ के पैसा थोड़ी है, बुलाओ उसे। ठीक है मम्मी जी, बुलाओ भाई, जाओ बुलाओ। तुम एंकर बन के क्या करोगी? आराम करूंगी और क्या करूंगी। हैं, वो क्यों? अरे इतनी प्रैक्टिस के बाद तो इंसान थक ही जाता है ना, और जब इंसान थक जाता है तो आराम करता है, कैसा? हाँ ये बात तो ठीक है, सही कहती हूँ मैं। बस आपने ना मेरी बीवी को एक मशहूर एंकर बना देना है। और मेरी फीस? फीस मिलेगी ना आपको। कितनी? आधी। आधी? अब मेरा मतलब है जो भी फीस तय होगी आधी आपकी आधी मेरी। देखो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। क्या 1,00,000 रुपए? मंजूर है तो बोलो वरना मैं चली। नहीं नहीं नहीं, रुके रुके रुके, मेरी बात तो सुन लेना, आप मेरे साथ अंदर चलें, लेकिन फीस की बात आप मत कीजिएगा, वो मैं खुद करूंगा। अच्छा चलो अंदर चलते हैं, मैं अपनी टीम को लेके आती हूँ। आप अभी टीम लेकर आएंगी या आप उनको फोन करके बुला लें? आजे 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 आजे। अरे वाह, ये तो वही एंकर है ना जिसका आज मैं सुबह शो देख रही थी। क्या वैसे क्या ना, आपने क्या धज्जी उड़ाई थी उस जिम्मेदार की, सीरियसली। अब वैसे एक बात है, आपको डर नहीं लगता? आप इस तरह कुछ भी आप कर लेती हैं, किसी से भी टकरा जाती हैं। डरना कैसा, ऐसे लोग तो टके टके पर दस्तयाब होते हैं। क्यों क्यों, वाह वाह भाई वाह, क्या बात की आपने, क्या बात। अच्छा ये बताएं कि आपकी फीस कितनी होगी? मम्मी जी इनकी फीस होगी 2,00,000 रुपए। 2,00,000? दो लाख? तुमने तो कहा था ये बहुत थोड़े पैसे लेती है यार। हाँ तो मम्मी जी के लिए पैसे थोड़े हैं, आपके लिए बहुत हैं, तो मैं क्या करूं? हाँ भाई बस ठीक है ठीक है, अगर हनी को मंजूर है ना तो मुझे कोई एतराज नहीं। जी मम्मा, मैं ना आज के बाद से ना इनकी फैन हो गई हूँ, बस मैंने कह दिया मुझे एंकरिंग इन्हीं से सीखना है बस। लेकिन बेटा ये तो मुझे बहुत शरीफ लगती है। आपकी तारीफ कोई कर ही नहीं सकता। मैं गुलाम। कमाल है, ये गुलाम को आपने अपने बराबर सोफे पर बिठाया हुआ है। आपने शायद गुलामों के सरकशी के वाकयात सुने नहीं, आपको मालूम नहीं आज ये गुलाम आपके गुलाम है, कल ये आपकी ही जायदाद पर कब्जा करके आपको गुलाम बना सकते हैं। चले उठे यहाँ से, उठे। बिल्कुल मैं समझ गया, मैं समझ गया। आपको एंकर ही होना चाहिए था। देखिए गुलाम मेरा नाम है, गुलाम मुहिउद्दीन, और ये हनी जो है ना ये मेरी बेटी है। अच्छा 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 अच्छा, चलें ठीक है, चलें फिर काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे 3 मुख्तलिफ शोबों के लोग दरकार होंगे, हम एक टॉक शो करेंगे जिसमें मैं हनी को एंकरिंग की बेसिक सिखाऊंगी। ठीक है ठीक है, लड्डू गुलाम चलिए फौरन जाइए और 3 मुख्तलिफ शोबों के लोग लेकर आइए। यार 3 कहाँ से लाएंगे यार हम, 3? अरे बस बस मुझे नहीं पता, जहाँ से मर्जी ढूंढ के लाए, चले फौरन जाए, उठे उठे जल्दी करें। से ढूंढेंगे गुलाम, जाइए। भैया उठ भी जाए, देखिए मैं बहुत मसरूफ एंकर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। भैया किस किस्म के घर दामाद हैं? ऐसे ही हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को माशरे में रहने का कोई हक नहीं है, ये लोग अपने साथ साथ रहने वालों को भी डुबो देंगे, अगर इनका बर वक्त हल ना निकाला गया तो मसला बन जाएगा। बात तो सही है यार, क्या बात करते हो यार ये। अबे तुम अपने यार अपने लगाए हो यार। ससुर जी मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। अरे परेशान हो तुम, अपने दोस्तों से बात करो, शायद कोई काम का शोभा निकल आए यार। अरे ससुर जी किससे पता करूं, सबके सब फारिग हैं तुम्हारी तरह। ससुर
हो गया इंतजाम। चले मेरे साथ आना, मैं जाऊंगा यार। अरे चले ओ भाई, अरे आए ना, पता नहीं कौन सा यार तुम यार। जी तो आप लोग किन किन शोबों से ताल्लुक रखते हैं? पहले आप। जी मैं प्लम्बर हूँ, नल का ठीक करने आया था, नजर नहीं आ रहा, वर्दी पहनी हुई, इंस्पेक्टर हूँ। आपने हेलमेट क्यों पहना हुआ है? जी मैंने सुना था कि आप यहाँ इंटर आई हुई हैं और आज हमारा इंटरव्यू होगा, इसलिए मैंने हेलमेट पहन लिया। देखिए जी, वैसे भी हेलमेट जो है ना बड़ी बेहतरीन हिफाजत की चीज होती है। और आप? क्या बोला भाई? आप ये कान से निकालेंगे तो आपको आवाज आएगी ना। ये लगाया इसलिए कि मुझे कब सुनाई देता है। हाँ जब लगा देता हूँ तो थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। आप किस चीज के डॉक्टर हैं? ENT बाबा, कान का डॉक्टर हूँ। और आप? मैं फारिग हूँ। हैं? आप भी ऊंचे सुनती हैं क्या? मैंने कहा मैं फारिग हूँ। मैंने कहा था ना काम के लोग लाने हैं मुख्तलिफ शोबों से। फारिग बैठना भी कोई आसान काम थोड़ी है, ये भी बहुत बड़ी मसरूफियत है। वैसे अगर फरागत की इंडस्ट्री बन जाए तो बहुत सारे लोग इसी शोबे से निकलेंगे। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अरे देखिए, मैं बतौर घर दामाद यहाँ बैठा हूँ, ये भी एक शोभा है और सबसे ज्यादा काम इस शोबे में करना पड़ता है। अगर यकीन नहीं है तो लड्डू से पूछ। लड्डू है? हाँ ना, और इसकी एक मिसाल मैं अभी कायम करता हूँ, आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लेकर आता हूँ, है ना। चाय ले ही ना आएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, आपके होते हुए अब तक जराइम का खात्मा क्यों नहीं हुआ? अल्लाह ना करे जी, अगर जराइम का खात्मा हो गया तो हमारी नौकरियों का क्या होगा, इसके बारे में कभी सोचे तुमने? आप अपनी नौकरी बचाने के लिए जराइम का खात्मा नहीं चाहते ना? ये भी तो सोचे ना कि अगर सब कुछ ठीक हो गया तो आप यहाँ बैठ के खवातीन के साथ हंडिया चूल्हे और कपड़ों की बातें करेंगी। नाजरीन, आप देख सकते हैं हमारे साथ एक बदतमीज और डरपोक पुलिस वाला बैठा हुआ है। आए अब दूसरे के पास चलते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी जी बोलो। आप खुद तो ऊंचा सुनते हैं, दूसरों के कानों का इलाज करते हैं, आपने अब तक अपना क्यों नहीं इलाज करवाया? बाबा घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? आप अपने आप से इंटरव्यू ले सकती है? नहीं ना बाबा, महंगाई का दौर है, डॉक्टरों की फीस बहुत ज्यादा है। बाबा मैं गरीब आदमी हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकता। या अल्लाह, किन लोगों में फंसा दिया। चले आप बताएं फारिग इंसान, आपने अभी तक क्यों नहीं कोई काम ढूंढा? बस मुझे कैमरा और माइक नहीं मिला, वरना मैं भी आज आपकी तरह टीवी एंकर होता। आप कितना पढ़े हुए हैं? वैसे तो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, फेसबुक के सारे स्टेटस पढ़ लेता हूँ, सारे SMS पढ़ लेता हूँ, और तो और फिल्म के एंड में जो नाम आते हैं मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। गर्दामाद। अच्छा आप बताएं गर्दामाद साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है जैसे आप सबसे ज्यादा काम करते हैं? आप गर्दामाद बन के देख ले, सुबह नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर बर्तन धोने पड़ते हैं, फिर सफाई करनी पड़ती है, फिर कपड़े धोने पड़ते हैं, फिर दोपहर का नाश्ता बनाना पड़ता है, फिर बर्तन धोने पड़ते हैं, और फिर वो सूखे हुए कपड़ों को इस्त्री करना पड़ता है, और फिर शाम की चाय बनानी पड़ती है, फिर बर्तन धोने पड़ते हैं, और फिर रात का खाना बनाना पड़ता है, फिर बर्तन धोने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा बस बस, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आप बताएं। अब्बा जी, सुबह भी धोना, शाम को भी धोना, और फिर रात को भी धोना है? मेरा मतलब है मुजरिमों को। आप लोग जिस्मानी तशद्दुद क्यों करते हैं? आप ज़हनी तशद्दुद क्यों करते हैं? आपसे तो बात करने का फायदा ही नहीं है, आपने तो यहाँ पर भी इंक्वायरी शुरू कर दी है। आप बताएं डॉक्टर साहब, आप कब से डॉक्टर हैं? जी जी पहले से आराम है। अरे मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? क्या सोच रही हैं? मैं पूछ रही हूँ, पूछ 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 मूछ 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 मेरी मूछ। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, आपका नंबर मिल सकता है? जी। अच्छा फिर फेसबुक ID ही बता दें, मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। उफ, किन जाहिलों में फंसा दिया आपने मुझे। देखें गलत बात ना करें, वहाँ भी आपका कोई पढ़े लिखों से वास्ता नहीं पड़ता है, जब वहाँ बर्दाश्त कर लेती है तो फिर हमको भी बर्दाश्त करें भाई। वहाँ से तो मुझे तनख्वाह मिलती है। यहाँ क्या आप ईदी वेलफेयर का टॉक शो करने आई है? हमने भी पैसे दिए भाई। भाई आजकल 1,00,000 रुपए में कुछ नहीं होता। क्या 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 1,00,000 रुपए? लड्डू तो 2,00,000 कह रहा था। जी बुलाए ना इस लड्डू को मेरे सामने। लड्डू 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 जी लड्डू गायब हो जा, भाग जा भाग जा तेरे लड्डू। आ, 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 आ,
मरीख से जदीद आला लाया हूँ। मरीख से आला? कैसा आला? झूठ पकड़ने वाली मशीन। कितनी महंगाई चल रही है बेगम, पैसे कहाँ बचते हैं? वो ऐसी भी कोई खाना जंगी नहीं हो गई जो महंगाई बहुत हो गई है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा ना मुझसे बहुत झूठ बोलते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि लड्डू मुझसे सच कम और झूठ बहुत ज्यादा बोलता है। अब रोज जूस बनाइएगा और पीजिएगा। जूस? तूने अपनी जिंदगी में खुद तो कुछ किया नहीं, उल्टा यहाँ लाके मुझे फंसा दिया। एक नंबर के चीटर की औलाद, पूरा खानदानी चीटर हो तुम लोग। बेवकूफ, दो टके की तेरी औकात नहीं है, अपनी निकर तो खरीद नहीं सकता है, और तू सास और अपनी बीवी के पैसों से अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, दुख तेरे की। भाई मैंने ये सच बोलने वाली मशीन मंगाई है, आप पर लगाकर चेक करूंगी। मैं तो रोटी लेने जा रहा हूँ ना। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। गरगामा के गरगामा।